अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी, दो तरीके से शेयर करूंगी। और आज ये स्टार्ट देख के तो आप समझ चुके होंगे कि यकीनन बारबेक्यू बन रहा होगा। तो बारबेक्यू में आज बन रहा है चिकन तंदूरी, जो मैं दो तरीके से बताऊंगी। एक तो हम इस तरह से चारकोल के ऊपर इस तरह से ग्रिल करेंगे, एक ये तरीका, और एक मैं चूल्हे के ऊपर किस तरह से बनाना है, उसके ऊपर बर्न पैक कैसे देना है, ये चीज़ आपको बताऊंगी। तो चलिए अब रेसिपी बिना मिस किए ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा क्या लुक आया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। कितने मसाले डले ये सब बताया जाएगा कुकिंग विद अनीला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप वन। स्टेप वन में सबसे पहले मैरिनेशन के लिए हम जो मसाला लेंगे वो है गर्म मसाला सबसे पहले। इसके बाद हमने लिया है चाट मसाला, इसके साथ ही धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ था वो लिया है रोस्ट करके, इसके साथ ही रेड चिल्ली पाउडर है। रेड चिल्ली पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए है। और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर जो अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। ऑयल इसमें मैंने शामिल किया है, इसके साथ ही हम विनेगर या फिर लेमन जूस, ये दोनों में से कोई एक चीज़ जो अवेलेबल हो वो यूज़ कीजिएगा। इसके साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने शामिल किया है, योगर्ट था एक कप के करीब वो हमने इसमें शामिल कर दिया था। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आ जाती है बारी इसकी मैरिनेट की, चिकन मैरिनेट कैसे करना है। उससे पहले हम चिकन में कट किस तरह से लगाएंगे, और मैंने क्या पीस लिए थे, इस तरह से तंदूरी पीस लिए थे। पहले मैंने इनको इस तरह से कट किया है, इसके बाद ऐसे कट किया है, यानी कि प्लस साइन बना के दोनों तरीक़ों से मैंने इस पर कट किया है, ताकि मसाला अच्छे से चिकन के पीसेस के अंदर तक लग जाए। ये जो दूसरा ही पीस था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये इस तरह से मैंने इनको कट किया था। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको फाइनल सही तरह से नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें कट होना चाहिए, इसकी बोन्स नज़र आएँ इस तरह से। और इसके अलावा लेग पीस पे मैंने ऐसे कट लगाए थे। और एक ख़ास बात है, ये जो चिकन लेग के ऊपर ये जो टेंडन होती है ना, ये इसकी जो नस होती है, वेंस जो होती हैं, इसको आप ज़रूर कट कर लीजिएगा। अगर आप इसे बारबेक्यू करेंगे और ये जब कुक होने के बाद श्रिंक होगी ना, तो आपकी चिकन जो है वो बहुत अजीब किस्म की हो जाएगी, और जो पीसीज है ना वो टूट जाएंगे। लिहाजा इसे ज़रूर कट कीजिएगा, ये बहुत अच्छे टिप है। इसके बाद ये मैरिनेट करके हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। वैसे तो 4 घंटे आप रखिएगा, ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एक रात के बाद ये कुछ इस तरह से मैरिनेट होके रखी हुई थी। इसके बाद हमने 2 पीसेस तो हमने बारबेक्यू ग्रिल पे रखे थे, और एक पीस ये जो था इसे मैंने बिल्कुल लाइट लो फ्लेम के ऊपर इस तरह से फ्लेम चूल्हे के ऊपर ये ग्रिल रखकर, और इस तरह से हल्की आंच के ऊपर इसे मैंने पकाया था और बर्न इफेक्ट दिया था। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि पीसेस आपके गलेंगे नहीं, तो आप पहले से स्टीम में पका सकते हैं और उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर बर्न इफेक्ट दे सकते हैं। अब जब तक ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो हम बना लेते हैं अच्छे से रिंग्स अनियन। ये 3 स्टाइल में अनियन रिंग्स बनाए थे। सबसे पहले मैंने अनियन रिंग्स को बर्फ़ के पानी में भिगो के रखा हुआ था, फिर मैंने इसमें धनिया जीरा और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और इसके साथ ही मैंने लेमन जूस डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके बाद आती है सेकेंड रिंग अनियन रिंग्स की, तो वो मैंने ग्रीन चटनी इसमें शामिल कर दी थी लेमन जूस शामिल करके, और अच्छे से इसे मिक्स करके एक साइड पर रख दिया था। अब आ जाते हैं थर्ड अनियन रिंग, जो मैंने दही के साथ हरी चटनी शामिल की थी। इसके साथ ही इसमें हमने नमक शामिल कर दिया था। नमक शामिल करने के बाद हमने इसमें अनियन रिंग्स शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे। तो ये हमारा सैलेड हो गया है रेडी। सैलेड इस तरह से रेडी कर लीजिएगा। 3 कलर्स की जो अनियंस हैं और अलग अलग फ्लेवर्स की हैं, वो बहुत मज़ेदार लगती हैं बारबेक्यू के साथ, तो ज़रूर बनाइएगा, सर्व कीजिएगा। ये देखें, एक हमने हरी चटनी के साथ बनाई थी, एक रेड चिल्ली पाउडर या कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, इसके साथ ही हमने इसके अंदर नमक और धनिया जीरा डाला था, इसके साथ ही एक दही, हरी चटनी और नमक, ये 3 किस्म की। और बारबेक्यू हमारा अच्छे से पककर तैयार हो चुका था, बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर था, और जूसी भी बहुत ज़्यादा बना था। ऑयल डालने के बाद ये होता है कि जो चिकन हो या बीफ हो ना, वो ड्राई नहीं होता, जूसी रहता है, सॉफ्ट रहता है, और बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने इस तरह से सर्व किया था। सेकंड पीस मैंने जो था जो चूल्हे पर बनाया था वो मैंने इस तरह से सर्व किया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
तो इस रेसिपी को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैंने तो ये चिकन इस तरह से सर्व किया था, इसके साथ मैंने चपाती सर्व की थी और इसके अलावा मैंने 3 साइड्स की चटनियाँ सर्व की थी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनिला, अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.